वेजिटेरियन के नाम पे सिर्फ अपने पास है फ्राइज जो खा सकते हैं, कि जो भाई प्योर वेजिटेरियन है उसके लिए तो मैकडॉनल्ड्स नहीं है। हेलो हेलो नमस्ते और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में, और आप देख रहे हैं नानो फिल्म्स फिर से। और आज मैं जा रहा हूँ मैकडॉनल्ड्स की तरफ और देखता हूँ कि क्या सीन है वहाँ पे। आप लोगों को दिखाया नहीं था मैंने पहले, तो अभी मैं जा ही रहा हूँ रास्ते में, अभी भी निकला हूँ घर से, थोड़ा काम भी है बाहर, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि आज मैं वीडियो बनाई, तो मैं बड़े दिन से सोच रहा था इस टॉपिक के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा कि USA में मैकडोनल्ड्स जो वेजिटेरियन लोग हैं वो खा सकते हैं कि नहीं। चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको क्या सीन है, हाँ, कि वहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शंस कितने हैं। लेट्स सी। वो रहा इस टाइम पे वेदर एक नंबर का हो गया यार, एक नंबर वेदर हो गया, वरना तो धूप होती है। अभी वैसे बज गए हैं 7, कुछ बज गए हैं 7:30। ये रहा भाई, चलते हैं इसके अंदर। स्टार्ट ऑर्डर करते हैं। देखो भाई ये सैंडविच में आता हूँ ना मैं, ये बिग मैक है, क्वार्टर हैम है, सब कुछ है इधर दिख रहा है, पर इसमें वेजिटेरियन ऑप्शन ही नहीं है। जितने भी हैं यहाँ पे सारे मेरे ख्याल में वेजिटेरियन ऑप्शन, ये नगेट्स के हैं, देखो चिकन नगेट आ गए इसमें। वेजिटेरियन के नाम पे सिर्फ अपने पास है फ्राइज जो खा सकते हैं, है ना। हैप्पी मील इसमें भी भाई देखो, ये चिकन है, वेजिटेरियन के नाम पे हम फ्राइज, और ये जो अपने आइसक्रीम्स वगैरह आ गई है इसमें भी शायद अंडे वंडे होंगे साइड में, बेकन वेकन कुछ नहीं खा सकते भाई हम। देखा होगा आपने कुछ भी नहीं है भाई इधर, आपको दिखाता हूँ कैसा है मैकडॉनल्ड्स है। कुछ नहीं खा सकते भाई इधर हम, वेजिटेरियन ऑप्शन के नाम पे तो अपने पास सिर्फ फ्रेंच फ्राइज है, और क्या बोलते हैं, पहले यहाँ से निकलता हूँ फिर बोलेंगे कि क्या वीडियो बना रहा है। जो भी इंडिया से अपना आ रहा है कि भाई देखो कि हाँ जाके मैकडॉनल्ड्स वगैरह खा लेंगे, जो अब वेजिटेरियन है उसके लिए तो यहाँ कुछ नहीं है, फ्रेंच फ्राइज है ठीक है चलो खा लोगे, उसके बाद क्या खाओगे? बर्गर नहीं खा सकते, बर्गर ऑर्डर करोगे तो इसका मतलब वो बीफ पैटी होगी, वो बीफ डाल के देंगे। सैंडविच बोलोगे तो उसमें चिकन बर्गर होता है, यहाँ पर चिकन बर्गर को सैंडविच बोलते हैं और बर्गर को बीफ बर्गर होता है, वो तो वो हमारे लिए काम का नहीं है। जो वेजिटेरियन है तो भूल जाओ मैकडॉनल्ड्स मिलेगा। ये नहीं है कि यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शंस नहीं है, यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शन दूसरे आउटलेट्स में है, टाको बेल हो गया या फिर और भी हैं, चिपोटले हो गया, उनमें भी है। यहाँ पे आसपास में तो नहीं है बट सिटीज़ में होगा आसपास में कहीं, मेरे आसपास में तो नहीं है। डंकिन डोनट्स हैं वहाँ पे सामने मेरे, उसमें कॉफ़ी मिल जाती है, डोनट्स मिल जाते हैं, वो तुम खा सकते हो। बाकी जो भाई प्योर वेजिटेरियन है उसके लिए तो मैकडॉनल्ड्स नहीं है इंडिया में मिलते, जैसे कि हमारे मैक आलू टिक्की बर्गर हो गया, मैक महाराजा जो वेजिटेरियन होता है, बट यहाँ पे तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो क्या करेंगे। तो भाई मैं सजेशन तो यही दूंगा कि भाई जो भी इंडिया से कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहा है तो भाई प्लीज़ कुकिंग स्किल्स लेके आना, क्योंकि भाई तुम्हें वेजिटेरियन ऑप्शन यहाँ पे कम है, और वेजिटेरियन फूड जैसे वीगन फूड हो गया यहाँ पे महंगा है एज़ कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन फूड। तो सजेशन ये रहेगा कि भाई सीख के आना अपने घर से, और यूज़फुल रहेगा सच में, यहाँ पे आओगे तो आपको बहुत यूज़फुल रहेगा कि हाँ कि मैं ये स्किल्स सीख के आया और मुझे बहुत काम में आया, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शन बहुत कम है भाई गाइस। हाँ तो ये वीडियो एकदम शॉर्ट रहेगी, मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं रहा हूँ इस वीडियो में, इतना ही था भाई, और मैं निकलता हूँ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय जितन बाय।